Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, are you ready, guys, to learn some new and special grammar tricks? Yes or no? सभी तैयार हैं? शुरू करें? चलिए. So, the very first one is differ with and differ from. देखो, differ के साथ दो prepositions आते हैं. Differ with and differ from. जैसे compare एक word मैंने बताया था. Compare means तुलना करना. Compare के साथ with भी आता है और to भी आता है. इसका लॉजिक बता चुका हूँ. अगर भूल गए हो तो फिर बता दूंगा, डोंट वरी. तो डिफर विद और डिफर फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझिए. व्हेन यू डिफर विद समवन, यू डिसएग्री विद दैट पर्सन्स ओपिनियन और आइडिया. अगर आप किसी से डिफर विद हैं, मतलब किसी का जो ओपिनियन है, जो आइडिया है, उससे आप अपोजिट सोच रहे हैं. जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये एक पेन है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये पेन नहीं है, आप डिसएग्री कर रहे हैं इस चीज से. मैं कह रहा हूं इससे लिखा जा सकता है इसलिए ये पेन है, आप कह रहे हैं इससे रजिस्टर पे नहीं लिख सकते इसलिए ये पेन नहीं है. समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? तो डिफर विद मतलब जो आइडियाज या पॉइंट ऑफ व्यूज या ओपिनियंस का डिफरेंस होता है लोगों के बीच में, उस केस में हम डिफर विद का यूज कर सकते हैं. व्हेन यू डिफर फ्रॉम समवन, इट मींस दैट यू अनलाइक दैट पर्सन. अगर आप डिफर फ्रॉम का यूज करेंगे, इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टूड इट वेल. इसका मतलब यह है कि आप दूसरे बंदे से अलग, जैसे आप अपने आप को बता रहे हैं, या आप किसी को किसी से अलग बता रहे हैं. नहीं, वो बंदा उससे तो बिल्कुल अलग है, वो अलग इंसान है बिल्कुल सोच और हर तरह से, और वो बंदा बिल्कुल अलग इंसान है. समझ गए ना? तो डिफर विद का यूज कब करते हैं, देखो दिमाग में बिठा लेना इस चीज को. एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं. डिफर विद मतलब व्हाट? जब किसी की ओपिनियन, आइडिया या पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस होता है, अलग अलग होते हैं. मेरी सोच किसी चीज पे कुछ और है और आपकी कुछ और है, दिस इज कॉल्ड डिफर विद. और अगर हम डिफर फ्रॉम का यूज करेंगे, डिफर फ्रॉम का यूज कैसे करते हैं, जब एक बंदा दूसरे से बिल्कुल अलग, पर्सन को अलगाव को डिनोट कर दिया जब हमने, तो हमने डिफर फॉर्म का यूज कर दिया. क्या सबको क्लियर हो गया जो कह रहा हूं? समझ में आ गया? भावनाएं अच्छे से समझ आ गई? यस और नो? चल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, बिल्कुल. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंस टीचर डिफर्ड फ्रॉम इंग्लिश टीचर ऑन बॉयज एबिलिटी. बॉयज की एबिलिटी पे साइंस टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और इंग्लिश टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. वैसे यहां पे द टीचर ऑफ इंग्लिश होना चाहिए. हाँ, सो एक सिंपल वे में अगर हम देखें, इंग्लिश टीचर ही बचपन से बोलते चले आ रहे हैं, तो साइंस टीचर का व्यू बच्चों की एबिलिटी पे अलग है और इंग्लिश टीचर का अलग है. यहां पे हम डेफर फ्रॉम का यूज करेंगे या डेफर विद का यूज करेंगे? डेफर विद का यूज करेंगे. एंड द स्टेटमेंट वुड बी, साइंस टीचर डिफर्ड विद इंग्लिश टीचर ऑन द बॉयज एबिलिटीज. दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर. ठीक है, नेक्स्ट वन, मिस्टर चैन डिफर्ड विद हिज मैनेजर इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल. मिस्टर चैन, इनका नाम ही चैन है, ठीक है, आई थिंक चाइना से बिलोंग करते हैं. सो मिस्टर चैन डिफर्ड विद हिज मैनेजर. अब एक बंदे को ही रिलेट कर दिया, वो उससे अलग है कुछ ऐसा, तो अब यहां पे विद की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा. And the statement would be what? Mr. Chan differed from his manager in terms of management style. I think सबको clear हो गया कब हमें differ with का use करना है, कब हमें differ from का use करना है. क्या सबको clear हो गया? जल्दी से बताओ. सबको clear हो गया? Done? Okay. Next one. Next grammar trick क्या है हमारी?
प्रपोजिशन ऑफ टाइम, देखो टाइम के पहले ऑन का भी यूज करते हैं और एट का भी यूज करते हैं, ये नॉर्मल है। तो ऑन का यूज कब कब करते हैं जरा बताओ चैट बॉक्स में। डेज के लिए करते हैं ऑन का यूज, बिल्कुल करते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, कुछ ऐसा। डेट के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं, 20 अप्रैल, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल, कुछ भी ऐसा। तो डेज डेट्स के लिए ऑन का यूज करते हैं। और कहां कहां करते हैं? फेस्टिवल्स, ओकेशंस, इन सब के लिए भी ऑन का यूज होता है ना? बिल्कुल होता है। डेज, डेट्स, फेस्टिवल्स, ओकेशंस, इन सारी कंडीशंस के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। लाइक आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं आपसे कब मिलूंगा? मंडे को मिलूंगा। आई विल मीट यू ऑन 9th of May, तो फिर ऑन का यूज मैंने 9th May के लिए कर दिया। आई मेट हिम ऑन हिज ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी, ओकेशन हो गया। आपने मॉल्स के बाहर लिखा हुआ देखा होगा ना, स्पेशल ऑफर ऑन होली, ऑन दिवाली, तो फेस्टिवल्स के पहले भी ऑन का यूज हो जाता है, ठीक है। तो ऑन का यूज हम डेज, डेट्स, फेस्टिवल्स, ओकेशंस, इन सब के लिए करते हैं। एट का यूज जब भी टाइम के लिए करते हैं तो ये स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करता है। स्पेसिफिक टाइम मतलब फिक्स टाइम, स्पेसिफिक टाइम का मतलब हो गया फिक्स टाइम, एट 2 PM, 3 PM, 4 PM, समझ गया ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, 2 o'clock, 3 o'clock, ऐसे स्पेसिफाई जब करते हैं हम टाइम को, उसके पहले हम एट का यूज करते हैं। और ऑन का यूज हम डेज, डेट्स, फेस्टिवल्स, ओकेशंस, इन सब के पहले करते हैं। दिमाग में आ गया, हलवा सा पार्ट है, समझ आ गया ना। चलो अब स्टेटमेंट्स हैं इससे रिलेटेड, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। बिल्कुल इजी सा पार्ट है, 5 सेकंड के क्वेश्चन हैं, स्पीड में पिक कर दो आंसर। बिल्कुल अनुज प्रिंस, वेरी गुड। बिल्कुल राकेश, चल बिल्कुल हिमांशु, वेरी गुड। संतोष, तनु, चल फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। द वेडिंग विल बी एट सैटरडे, वेडिंग कब होनी है? सैटरडे को होनी है। तो सैटरडे मतलब डे को डिनोट कर दिया, एट की जगह क्या आएगा? ऑन आएगा। एंड द स्टेटमेंट वुड बी द वेडिंग विल बी ऑन सैटरडे, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर, सेम एज आई सी यू ऑन 6 o'clock। अब यहाँ पे ऑन की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एट का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हियर वी आर रेफरिंग प्रिसाइज टाइम, इट मीन्स हियर वी आर रेफरिंग फिक्स टाइम, सो वी नीड टू यूज वॉट? एट इन प्लेस ऑफ ऑन। क्या सबको क्लियर हो गया जो कह रहा हूं? पूरी तरह से समझ आ गया, सबको क्लियर हो गया? ओके, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।